हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कर्सिव राइटिंग में चैप्टर जो है आपका कौन सा चैप्टर है, चलो देखते हैं। आज हम कर्सिव बुक में काम करवाते हैं। कर्सिव बुक में आप लोगों को मैंने ये समझा चुकी हूँ लाइंस वगैरह। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये दिया था काम करने के लिए बेटा। उसके बाद आपका पेज नंबर जो है वो है 7। तो चलिए पेज नंबर 7 में देखिए क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखा कि जो कि सिर्फ आप लोग जो हमारी लाइन है कर्सिव है, जिगजैग है, जो भी लाइंस है उस पर आप लोगों ने चलाया। उसके बाद ये छोटा ABCD पे आप लोगों ने किया होगा। तो उसके बाद दो अक्षर जैसे OF ऑफ, ON ऑन, AT IS इज। अब हम चलिए दो से ज़्यादा तीन अक्षर के साउथ में कर्सिव कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। पेज नंबर 7, सबसे पहले आज का डेट डाल दीजिए। आज का डेट है 7/5/21। ओके, तो आज हम इसे आप लोगों को समझा रहे हैं। कर्सिव में सबसे पहला है बेटा जो कि हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा है, जो हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। आपको इंग्लिश राइटिंग कर्सिव हो या नॉर्मल हो, इसके लिए सबसे पहले लाइन की आपको ध्यान रखनी होगी, जो कौन सी लाइन में क्या होगा, कौन से लाइन में छोटा वाला ए होगा, कौन से लाइन में बी होगा, कौन से लाइन में सी होगा। क्योंकि हम बड़े वाले ABCD जब लिखते हैं बेटा तो उसका यूज हम 1-3 लाइंस में करते हैं, लेकिन जब हम स्मॉल ABCD लिखते हैं तो उसका ए बीच में होता है, बी तीन लाइन में होता है, सी बीच में, डी तीन लाइन में, ई बीच में, एफ जो है 1-3 ये चारों लाइन में यूज होता है। तो हमें ये इन चीज़ों की ध्यान रखनी होगी। तो आप लोग कर लेंगे, अभी आप लोग छोटे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हैंड लिखा हुआ है हमारे कर्सिव में एच फिर ई एन, हैंड। लेकिन इसमें क्या बेटा, कर्सिव में सबसे मेन चीज़ याद रखना, इसमें हाथ नहीं उठाना है। एम हम इस पर चलाते चलेंगे, ई एन मैन, फिर है बेटा बी ए जी बैड, डब्ल्यू ई टी वेट, एच ई एन हैंड, एम ई एन मैन, बी ए जी बैग, डब्ल्यू ई टी वेट, फिर है एच ई एन हैन, एम ई एन मैन, बी ओ बी ए जी बैग, डब्ल्यू ई टी वेट। हैन तो लिख दिया, मैन। अब देखिए मैन कैसे हैं, एम एक बार, दो तीन, देन ई एन मैन, बी देखो पहले हम ऐसे लिखेंगे एल की तरह, फिर इसको घुमाएंगे ए जी बैग, फिर है वेट डब्ल्यू ई टी वेट, फिर यहाँ पे है एच ई एन हैन, फिर यहाँ देखो एम ई एन मैन, फिर बैग बी ए जी बैग, फिर है बेटा डब्ल्यू ई टी वेट। कर्सिव में सबसे मेन चीज़ मैंने फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, जो कि बेटा जो कि मेरा हाथ नहीं उठना चाहिए। तो अभी आप लोगों से मैंने कहा जो ऐसे कि अभी देखिए एच ई एन हैन, एम ई एन मैन, बी ए जी बैग, डब्ल्यू ई टी वेट, एच ई एन हैन, एम ई एन मैन, बी ए जी बैग, डब्ल्यू ई टी वेट। तो चलिए आज आपका ये कर्सिव राइटिंग कंप्लीट कर दी हूँ मैं। इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहती हूँ जिस दिन मिलूँ उस दिन आप लोगों की आप लोग कर्सिव लिखना बिल्कुल सीख जाएंगे। बुक के अलावा भी आप लोग अपने अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।